हम पार्टी नालंदा से अशोक कुमार आजाद चंद्रवंशी जी, औरंगाबाद से पहले घोषणा हो चुकी है उपेंद्र प्रसाद जी, गया से पहले घोषणा हो चुकी है हमारे अभिभावक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी का नाम मान लीजिए। वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर सीट से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, मुजफ्फरपुर से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, खगड़िया सीट से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश साहनी जी जो सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, मधुबनी की जो सीट है उसके उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार से थे, माले के ऑलरेडी जो है वो घोषित हो चुके हैं। काफी से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे, कौन कौन सी सीटें, कौन कौन सी महागठबंधन की अलायंस पार्टनर इनके पास जाए। हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि महागठबंधन अटूट है, और हमने पहले भी कहा ये जो महागठबंधन हुई है ये समझिए कि जनता के दिलों का गठबंधन, और हमने पहले भी कहा है कि जो आने वाली चुनौती जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है, संवैधानिक संस्थानिक को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, अन्याय और न्याय की लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई है। आप देखिएगा कि तरह तरह के लोग न्यूज में रूमर फैलाने का काम किया गया है कि महागठबंधन बिखर जाएगा, कितनी देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि दो चरण के जो उम्मीदवार हैं उसका घोषणा हम लोगों ने पहले कर दिया है, उम्मीदवार भी और कौन कौन से सीटें गई। आज जो प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने बुलाने का काम किया है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय जीतनराम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के प्रेसिडेंट मुकेश साहनी जी, नरेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, रामचंद्र पूर्वे जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल आलोक कुमार मेहता जी, और रालोसपा से सत्यानंद प्रसाद जी जो है जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, दानिश रिजवान जी। आज जो बाकी के जो पांच चरण की सीटें जो है कहां कहां गई है, किस दल में गई है, उसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवारों का भी नाम आज घोषणा करेगा, और वीआईपी पार्टी के भी करेंगे, और मांझी जी के जो पार्टी है हम पार्टी उनके भी करेंगे। रालोसपा और कांग्रेस, क्योंकि आज उपेंद्र कुशवाहा जी को आना था लेकिन आज कोर्ट का मामला था, दिन था, इस वजह से वो आ नहीं पाए, और कांग्रेस में पता है आप लोग सब लोग जो उनके नेता हैं वो दिल्ली में हैं, कल उनकी जो बैठक हुई थी, और अगर आगे का बात हुआ था शक्ति सिंह गोयल जी जो प्रभारी हैं, और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन झा, उनको आना था लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है और डिले करना पड़ा, तो हमको लगा कि उनके कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हैं और सबों से हमारी बात हो चुकी है, चाहे वेणुगोपाल जी हो, शक्ति सिंह गोयल हो, या कांग्रेस के राज्य के जो जितने बड़े नेता हैं उनसे बात हो गई है, सब लोगों में सहमति जो है सभी दलों में बन चुकी है कि कौन सी सीटें कहां जाएगी। तो
सीटों का अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। सबसे पहले जो आरजेडी पार्टी है मैं एक बात कहना चाहूंगा कि काफी लोग कह रहे थे कि महागठबंधन में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है। हम बताना चाहते हैं कि देर आए हैं दुरुस्त आए। आप देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन अब तक जनता के बीच में नहीं गए, प्रचार में नहीं गए। क्या कारण है? हम लोग तो प्रचार में जा रहे, हम लोग तो डेली दौरा कर रहे, जनता के बीच जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो लोग वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जनता के बीच ही नहीं नजर आ रहे। और इस बार की जो लड़ाई है ये एनडीए इस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि जो गठबंधन एनडीए का है, इन लोगों ने जो जनादेश का अपमान करने का काम किया है, ये जितने लोग हैं जो संविधान विरोधी लोग, जो गोवलकर और गौडसे को मानने वाले लोग, जनता को जिन्होंने ठगने का काम किया है, नौजवानों को जिन्होंने ठगने का काम किया है, किसानों को जो ठगने का काम किया है, आने वाले समय में जनता जो है बदला लेने का काम करेगी। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, देश हित के लिए हम लोग खड़े हैं, बिहार के हित के लिए हम लोग खड़े हैं, गरीब के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, नौजवान के लिए खड़े हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं। और आपके घर में कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी आपके स्टैंड से खुश नहीं है, आपके अपने घर में आपके भाई जो है हिंदुओं का झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या हो रहा है महागठबंधन में, आप क्या कह रहे हैं? जो उन्होंने बयान दिया है, आप सुनिए समाजीय सभा, जो बयान तेज प्रताप जी ने दिया, सब पार्टी है, अलग अलग पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, हर पार्टी में कई नेता होते हैं, उन्होंने तो सुझाव दिया, तो कोई नेता सुझाव देगा नहीं क्या? देने का अधिकार है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता भी सुझाव देते हैं, कार्यकर्ताओं की भी बात मानी जाती है। एक बात बताए, हमारे खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। एनडीए क्या थी, क्या स्वरूप था बिहार में? यहाँ तो पार्टी ही निकल गई, पार्टी ही नहीं बची एनडीए में। गांधी जी भी एनडीए में थे, कुशवाहा जी भी एनडीए में थे, सन ऑफ मल्ला भी एनडीए में थे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और भाई कहां आपको जो कहना कही है, आप देखिए हमेशा कल भी आप लोग बयान पढ़ते नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी में राज्य ने इस बात ने कहा दोस्त हमें नादान समझते हैं, कोई नाराजगी नहीं। पहले आपको दो सीटें जो है दूसरे चरण का और एक पहले चरण का नवादा, दूसरे चरण का भागलपुर, बाका ये अनाउंस हो चुका है। बाकी के सीटें इस प्रकार है, मध्यपुरा चौथा, दरभंगा, वैशाली, गोपालगंज, फिर से हम दोहरा देते हैं पूरी सीटों का, जो 19 सीटें जो राष्ट्रीय जनता दल जो लड़ रही है, फिर से मैं दोहराता हूं जो जो सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। पहला भागलपुर, दूसरा बांका,
तीसरा मधेपुरा, चौथा दरभंगा, पांचवा वैशाली, छठा गोपालगंज, सातवां सिवान, आठवां महाराजगंज, नौवां सारण, दसवां हाजीपुर, ग्यारहवां बेगूसराय, बारहवां पाटलिपुत्रा, तेरहवां बक्सर, चौदहवां जहानाबाद, पंद्रह नवादा, सोलहवां झंझारपुर, सत्रह अररिया, अठारह सीतामढ़ी, उन्नीसवां शिवहर। और जो आरा की सीट है वो जो है हम लोग सीपीआई एमएल को देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सीपीआई एमएल के जो विचारधारा है हमेशा गरीबों के साथ, वो लोग खड़े रहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, दक्षिण पंथी जितने हैं उनके खिलाफ रहते हैं, तो हम लोगों का आप गठबंधन नहीं एज अ गुड गेस्चर हम लोग जो है सीपीआईएमएल को ये सीट जो है आरा की वो हम देने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो पार्टी है आरएलएसपी, पांच सीटें जो अनाउंस हुई थी इस प्रकार से है, पश्चिमी चंपारण, दूसरी पूर्वी चंपारण, तीसरी उजियारपुर, चौथी काराकाट, पांचवी जमुई, जो पहले से भी घोषणा कर दी गई। अब कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें गई हैं, पहला किशनगंज, ये पहले घोषणा हो गया है, कटिहार ये भी हो गया है, दूसरे चरण में है, पूर्णिया ये भी हो चुका है घोषणा, उम्मीदवार के साथ हुई है, समस्तीपुर कांग्रेस के खाते में, मुंगेर कांग्रेस के खाते में, पटना साहिब कांग्रेस के खाते में, सासाराम कांग्रेस के खाते में, वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में, सुपौल कांग्रेस के खाते में। अब हम पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो तीन सीटें जो अनाउंस हो चुका है कि इनके खाते में गया है, सीटें इस प्रकार है, नालंदा, और जो दो सीटें हैं पहले भी अनाउंस हो चुका है, औरंगाबाद और गया। वीआईपी पार्टी, इनको भी तीन सीट में सहमति हुई थी, सीटें इस प्रकार है, पहला मधुबनी, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा खगड़िया। तो ये जो महागठबंधन की सीटें कहां कहां। अब जो उम्मीदवार मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो जो कुछ सीटों का जो तैयार हो चुके हैं वो भी हम पढ़ देंगे, बाकी की जो बचेंगे जहां उम्मीदवार उनको तय करना है वो दिल्ली से घोषणा होगा। पहले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का नाम अब इतना इंतजार था, भागलपुर क्योंकि पहले अनाउंस हो गया है, वो सांसद है अभी भी गुल्लू मंडल जी, उनको फिर से दोबारा पार्टी ने चुनने के काम किया है। बांका से जयप्रकाश यादव जी, मध्यपुरा से हमारे अभिभावक आदरणीय श्री शरद यादव जी, दरभंगा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वैशाली रघुवंश प्रसाद सिंह जी, गोपालगंज सुरेंद्र राम उर्फ महंत जी, सिवान हीना साहेब जी, महाराजगंज
रणधीर सिंह जी, सारंग, सिवान के बाद आपका महाराजगंज रणधीर सिंह, सारंग से चंद्रिका राय जी, हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी, बेगूसराय से तनवीर हसन जी, पाटलिपुत्र मीशा भारती जी, बक्सर से जगदानंद सिंह जी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, नवादा से ये पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया है, विभा देवी जी, झंझारपुर से गुलाब यादव जी, अररिया से सरफराज आलम जी, सीतामढ़ी से अर्जुन राय जी, शिवहर जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया है इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। आरएलएसपी के जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा जी, ये उम्मीदवार की घोषणा जो है वो उनपे निर्भर है, उनकी पार्टी जब चाहे वो कर सकती है और मेरे ख्याल से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तीन उम्मीदवार जो है वो घोषणा हो चुकी है किशनगंज के, मोहम्मद जावेद जी, कटिहार से तारिक अनवर जी, पूर्णिया से उदय सिंह जी, चार और सीटों का नाम आया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उम्मीदवार होंगे, समस्तीपुर से श्री अशोक राम जी, सासाराम से मीरा कुमार जी, सुपौल से श्रीमती रंजीता रंजन जी, मुंगेर से नीलम देवी जी। Thank you.